जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। तो दोस्तों आज मैं सुबह सुबह यहाँ पे घूमने आया था, मैं हूँ संगम किनारे। तो दोस्तों कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, वहाँ पे मैंने बताया था एक Q&A वीडियो आने वाली है, तो आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे, तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ आपको। तो जिनका नाम रह जाए या जिनका सवाल नहीं आए तो उनको प्लीज़ बुरा नहीं मानना। तो वो लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन उन सवालों के जवाब सबको रिप्लाई करूँगा जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। तो ये सवाल आता है हमारे पास प्रमोद उपाध्याय जी की ओर से। ये लिखते हैं कि यहाँ पे बेस्ट मोबाइल चाहिए इनको 33K के अंदर। तो यहाँ पे बेस्ट मोबाइल आपको मिल जाएगा, एक तो OnePlus 7 है, उसके बाद आपके पास आने वाला Redmi का K20 Pro। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे मोबाइल हैं, इनको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी OnePlus का अपना मजा है। और अगला सवाल इसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं हमारे पास करण बाबरिया जी। अगर मैं किसी का नाम बाई चांस गलत ले लूँ तो माफ़ कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि Redmi K20 Pro 8GB 256 ROM वाला अनबॉक्सिंग कब आएगी। तो उसके लिए पहले फोन आ जाए, उसके बाद पूरी कोशिश रहेगी अनबॉक्सिंग करने की, डब्बा खोलनी मतलब उसको टेस्ट करेंगे तो सारा कुछ बताऊंगा आपको। और अगला सवाल आता है हमारे पास जैद मंसूरी जी की ओर से। ये पूछते हैं Realme 3 Pro वर्सेस Redmi Note 7 Pro वर्सेस आपका Galaxy A50। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है ना, तो मैं बहुत लोगों का कमेंट क्या करूंगा साइड में एडिटिंग में डाल दूंगा, सबका नाम लेना पॉसिबल तो नहीं है। और यहाँ पे हमें मिलता है, तो ये 25 पैसा देके बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैंने भी आज देखा तो ये अभी मिला है हमें, ये हमारा इनाम। तो यहाँ पे दोस्त अगर सच बताऊँ तो मैं Redmi Note 7 Pro को नंबर 1 पे रखता, लेकिन यहाँ पे काम ऐसा कर रखा Redmi वालों ने, इसका जो वीडियो लैग वाला प्रॉब्लम है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, होना चाहिए कि लेकिन देखते हैं क्या होगा। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, आप पैसा एक बार लगाएंगे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सबसे पहले रखना चाहूँगा आपका Samsung Galaxy A50, दूसरे पर रखना चाहूँगा Realme 3 Pro और तीसरे पर रखना चाहूँगा Redmi Note 7 Pro, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें आपकी वीडियो लैग होती है, नहीं तो इसकी लुक, इसकी परफॉर्मेंस, बैटरी सब कुछ ओके है। यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे Redmi वाला वीडियो देख रहा है तो नाराज मत होना वीडियो लैग की वजह से, नहीं तो इसको आप पहले प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो वीडियो लैग वाली से। अगला सवाल यहाँ पे काफ़ी यूनिक सा है, काफ़ी लोगों के मन में आता है। ये लिखते हैं बाबा राम ईश्वर, ये लिखते हैं कि भाई हमें चाइनीज़ कंपनीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए, जैसे कि रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, फिर सैमसंग, नोकिया जैसे ब्रांड पे ट्रस्ट करना चाहिए, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, लव यू भाई, लव यू टू मेरे भाई। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ट्रस्ट तो आप तो देखा जाए इंटरनेट की दुनिया में किसी पर नहीं कर सकते, अभी देखिए आप तो होता रहता है ये सब, लेकिन यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ट्रस्ट करना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन की दुनिया में हैं तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेफ नहीं है, इसीलिए आपको सोचना चाहिए क्या शेयर करना क्या नहीं। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होने को तो अगर इन्फॉर्मेशन चोरी होनी होगी तो आईफोन में भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। और अगला सवाल आता है हमारे पास जमशेद सैफ जी की ओर से। सिंपल लिखते हैं कि यहाँ पे आपका गैलेक्सी A50 लेना चाहिए या फिर रेडमी K20 का वेट करना चाहिए। तो गैलेक्सी A50 आज की डेट में सैमसंग का बेस्ट फोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आप जितना वेट करेंगे उतने अच्छे फोन आपको मिलते जाएंगे। और K20 अगर आप लेना चाहते हैं तो K20 के बजाय आप K20 Pro ले सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। और अगला सवाल आता है हमारे पास जय प्रकाश जी की ओर से। लिखते हैं यहाँ पे कि Infinix Hot 7 Pro अच्छा है या फिर Infinix की सर्विस कैसी है। तो यहाँ पे मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, Infinix का फ़ोन मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, और यही नहीं आज की डेट में मैंने Infinix का कोई फ़ोन यूज़ पर्सनली नहीं किया, तो शायद मैं आपको बेहतर सलाह नहीं दे पाऊँगा। और अगला सवाल हमारे पास विशाल अग्रवाल जी की ओर से। लिखते हैं M40 या फिर A50, इतना कॉमन क्वेश्चन आज की डेट का, हर कोई इसमें परेशान है, कंफ्यूज कर दिया सैमसंग ने भी, सैमसंग ने नहीं किया, वैसे देखा जाए M सीरीज़ का अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन सैमसंग ने ये वाला फ़ोन लॉन्च करके ना M सीरीज़ के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कर दी, कि नॉर्मल यूज़र के लिए ये ना कन्फ्यूजन वाली बात है। तो A50 बेस्ट है, अगर आप ले लेते हैं तो M40 के मुकाबले आपको कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन M40 मैं कोशिश करने वाला हूँ लाने की, उसके बाद बढ़िया से टेस्ट करेंगे दोनों के साथ तो बेहतर ओपिनियन दे पाऊंगा। और बहुत सारे सवाल हैं, सबके नाम मैं यहाँ शो कर दूंगा, आप सबको देख सकते हैं। और अगला सवाल आता है हमारे पास चैतन्य प्रकाश सिंह, ये लिखते हैं कि व्हाट इज OIS एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो OIS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये करता क्या है, कैमरे के अंदर ना ये मूवेबल सा कैमरा लगाया होता है, ये क्या करता है जैसे जैसे हम यहाँ पे मूव करते हैं तो वो क्या करता है अपने आप को ना फोकस पॉइंट बना लेता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस करके अपने आप को कैमरा मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर सामने वाली बॉडी शेक हो रही है या जो भी ऑब्जेक्ट है तो अपने आप को कैमरे को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं OIS। इसका यही काम है स्टेबल वीडियोस बनाना। तो ये नॉर्मली क्या होता है अच्छे फोन में मिलते हैं, सभी फोन में मिल नहीं पाता, तो ये OIS का काम है। अगला सवाल आता है हमारे पास देव खान, ए देव खान लिखा हुआ नाम इनकी ओर से। ये पूछते हैं GT भाई कौन सा फोन यूज करते हो, कौन सा फोन आपको अच्छा लगता है एंड व्हाई। फ़ोन तो मैं कई यूज़ करता हूँ आपके लिए, जो भी खरीद के लेके आता हूँ उसको क्या करता हूँ खुद टेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे फ़ोन मुझे वो अच्छा लगता है जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो फ़ोन आपको वही लेना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करे, ना कि ये बेस्ट है या वो बेस्ट है, तो ही बेहतर डील कर पाएंगे आप।
अगला सवाल हमारे पास बर्निंग टेक, ये पूछते हैं क्या मैं टू गुड से यहाँ पे आईफोन 5S परचेज कर सकता हूँ, प्राइस लिखा हुआ है 7249 का। अभी मैंने कभी ऐसे फ़ोन को यूज़ तो नहीं किया टू गुड वगैरह या किसी भी वेबसाइट से, तो आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आईफोन लेना ना तो आईफोन का मज़ा तब मिलता है, स्पीड के लिए जाना जाता है। तो अभी आप 5S लेंगे तो आपको मज़ा नहीं मिलेगा। मिनिमम आज की डेट में अगर पुराना आईफोन भी लेना है तो 6S तो होना ही चाहिए, ये मेरी पर्सनल सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो भी आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे एज अ यूट्यूबर, टेक यूट्यूबर की तरह नहीं दे रहा हूँ, जो मुझे अगर मैं आपकी जगह होता है ऐसा समझ के आपको एकदम फ्रेंडली ओपिनियन दे रहा हूँ, तो ऐसे मतलब आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं आपको एकदम सीधा बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आपके लिए बेहतर है। और अगला सवाल हमारे पास पिंकी रो है, ये पूछते हैं 10,000 की रेंज में बेस्ट फोन कौन सा है, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पे 10,000 की रेट में आज की रेट में नोट 7 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है 660 वो भी फुल वर्जन वाला, तो यहाँ पे बेस्ट लुक बेस्ट परफॉर्मेंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। अगला सवाल आता है हमारे पास संदीप सुबेदी जी की ओर से, लिखते हैं 50 से बढ़िया वाली फोटोज़ कैसे क्लिक करें एकदम मस्त वाली। तो यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा चाहे वो A50 हो, कुछ ऐसे ना छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर एकदम मस्त वाली फोटोज़ हम क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ना एक ऐसी डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ जिसमें आपको छोटी छोटी टिप्स दूँ प्रैक्टिकली दिखा के। ऐसी वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा, थोड़ा सा ना हेल्प हो जाएगी उनके लिए जो ऐसी सवाल जिनके हैं जो जानना चाहते हैं। और अगला सवाल आता है हमारे पास अनिर्बान बनर्जी जी की ओर से, लिखते हैं कि यहाँ पे हेडफोन जैक जो है ये यहाँ पे ना है रिमूव क्यों कर दे रही कंपनियाँ, इसे फ़ायदा नुकसान जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये हेडफोन जो रिमूव कर रही ना पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है, ये एकदम ना चिरकुट वाला काम है अगर मैं कहूँ, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, उल्टे सीधे बहाने देती है हमने ये बताया डिज़ाइन बना दिया फलाना ढिमक का, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सीधा सीधा मुझे जो लगता है मैं बताता हूँ एक तरीके से ना बिजनेस सेंस है यहाँ पे, मैं बताता हूँ कैसे। ये लोग क्या करेंगे, आप फ़ोन लोगे उसी फ़ोन का नॉर्मली आप क्या करोगे ब्लूटूथ वाला जो ईयरबड्स या ईयरफोन जो भी बोलते हैं वो आता है आप उसको परचेस करोगे, इन्हीं का फायदा है क्योंकि नॉर्मली आदमी उसी कंपनी का परचेस करता है। तो पता नहीं क्यों रिमूव कर रही है, ये मेरी भी शिकायत है सभी कंपनियों से, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है लोग। और अगला सवाल आता है हमारे पास जाट मखना जी की ओर से, लिखते हैं मैं अपना थंबनेल कैसे बनाता हूँ और फेस कैम वीडियो कैसे बनाए, थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो भाई। तो यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा मैं अपना जो थंबनेल है वो फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, ये मैंने अभी सीखा है, धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ दिन पर दिन जो भी है, मैंने कहीं से कोई कोर्स नहीं किया। और फेस कैम की बात बताऊँ दोस्त आपको तो ये सिर्फ और सिर्फ ना प्रैक्टिस से आएगा, इसको कोई सिखा नहीं सकता। और जब आप लोग कमेंट करते हैं ना उससे हिम्मत आती है, आप लोग कमेंट करते हैं हाँ वीडियो ऐसी है या बुरी है जो भी है तो पता लगता है, तो दिन पर दिन इंप्रूव होता है। तो शुरू में दिक्कत होती है, अगर मैं आपको ना पहली वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखाऊँ तो आप देख के पहले तो हंसना मत। तो दोस्तों ये था वो आसान तरीका जिससे हम एक से ज़्यादा गूगल अकाउंट को बड़े ही आसानी से अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने वीडियो क्लिप देख लिया होगा, ये मेरी पहली वीडियो थी, हालांकि मैं थोड़ी उस समय थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं, तो अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो ये आपको ना टाइम टू टाइम सीखेंगे। अगला सवाल आता है हमारे पास अक्षय गोस्वामी जी की ओर से, क्या A50 बेटर है नोट 7 प्रो और वीवो V15 प्रो, पहले नंबर पे वीवो V15 प्रो, दूसरे नंबर पे A50, तीसरे नंबर पे नोट 7 प्रो, प्राइस के अकॉर्डिंग ही है बता रहा हूँ, लेकिन ये सही है ऐसा ही है। और अगला सवाल आता है हमारे पास कृष्णा लामा जी की ओर से, ये पूछ रहे P30 प्रो और S10 Plus में कौन बेहतर ऑप्शन है, ये दोनों में कौन सा अच्छा आपके ओपिनियन में। मेरे ओपिनियन में गैलेक्सी S10 Plus। अभी आप कहेंगे P30 Pro बहुत बढ़िया फ़ोन है, लेकिन अभी दो जब पूछेंगे आप तो एक ही अच्छा होगा। तो मुझे जो पर्सनली पसंद आता है, इवन S10 Plus में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उसको ना कमाल का लुक देती है, कमाल का फ़ोन बनाती है। इवन आप देखेंगे OnePlus 7 Pro आया था 90Hz उसमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, लेकिन अगर बगल में आप क्या करोगे S10 Plus को रख के देखोगे ना तो बात ना आपको ऐसे मतलब S10 Plus ज़्यादा पसंद आएगा। अगला सवाल आता है हमारे पास स्टडी विद LR विश्नोई, ये पूछते हैं मेरा 22,000 बजट है इनका, तो इनके लिए बढ़िया फ़ोन Realme X हो सकता है ऑप्शन में, K20 Pro हो सकता है ऑप्शन में, तो ये K20 Pro ज़्यादा बेहतर होगा, तो आपको वेट करना चाहिए, 22 से थोड़ा सा ऊपर आप मेरे हिसाब से जा सकते हैं तो वो बेहतर होगा आपके लिए। अगला सवाल आता है हमारे पास समीर शेख जी की ओर से, ये रैपिड फायर क्वेश्चन पूछते हैं तो जल्दी जल्दी जवाब देते हैं। रियलमी रेडमी ये दोनों ना ऐसे भाई भाई से ही हैं, लेकिन ये है कि रियलमी बाद में आया उसके पीछे पीछे चल रहा है, रेडमी को मैं पहले कहना चाहूँगा, रियलमी को मैं बाद में कहना चाहूँगा, बाकी दोनों ही अपने प्राइस के साथ आते हैं, अच्छे प्राइस के साथ आते हैं। दूसरा सवाल इनके पास iOS एंड्रॉयड, तो iOS बेस्ट होता है स्पीड के मामले में ऑप्टिमाइजेशन के मामले में, लेकिन रिक्वायरमेंट मेरी एंड्रॉयड पूरी करता है, मैं आईफोन यूज़ करता था लेकिन मेरे कुछ ऐसे काम थे कि मुझे शिफ्ट होना पड़ा, तो मैं एंड्रॉयड पसंद करता हूँ। उसके बाद एप्पल और गूगल, यहाँ पे गूगल, उसके बाद पूछते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 1 मिलियन लाइक, तो सब्सक्राइबर, क्योंकि अगर अच्छा काम करूँगा तो लाइक तो मिल ही जाएगा। माई फेवरेट मोबाइल, तो मेरा फेवरेट तो आज की डेट में वही मैंने बताया, मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है पता नहीं क्यों, Q10 है। उसके बाद और बात करूँ यहाँ पे कि अगला पूछते हैं आपका फेवरेट यूट्यूबर है जिनसे मैं कुछ चीज़ें सीखता हूँ, लेकिन यहाँ पे फेवरेट कोई नहीं है भाई, फेवरेट आप लोगों,
इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, आप लोगों का कमेंट जो है ना वो बताते हैं। और अगला सवाल आता है हमारे पास मनीष कुमार जी की ओर से, ये पूछते हैं रियलमी एक्स का लॉन्च डेट, सेम K20 का भी पूछ रहे बहुत लोग। तो कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, बट जुलाई में दोनों फोन आने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है पहले रेडमी वाला आएगा, पीछे पीछे आएगा आपका रियलमी। और अगला सवाल आता है हमारे पास शुभम प्रजापति जी की ओर से, ये लिखते हैं कि 50K इनका बजट है, इनके लिए बढ़िया फोन OnePlus 7 Pro लू कि नहीं लू। OnePlus 7 Pro बेस्ट फोन है और OnePlus की खासियत ये रही उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसकी स्पीड, गो बियॉन्ड स्पीड ऐसे करके दिखाते हैं ना, नेवर सेटल जो भी है, तो वाकई में काफी अच्छे फोन होते हैं। तो आप OnePlus 7 Pro ले सकते हैं। कुछ बातें बता देता हूं क्योंकि आप काफी सारा पैसा लगाने जा रहे हैं। OnePlus 7 Pro जो है ना, एक तो काफी थोड़ा भारी सा फोन है, तो उसको आपको ना है गिरने से बचाना होगा, गिरेगा ना तो थोड़ा सा रिस्की है, बट ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या है कि आपको एक चीज इन्होंने क्या कर रखा है, एक दो चीजें थोड़ी सी देना चाहिए था, जैसे अल्ट्रा वाइड एंगल में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फ्रंट कैमरे से जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना ऐसे काफी दूर रखना पड़ेगा, तो आप यहां तक बॉडी आपकी दिखाई देगी। और अगला सवाल हमारे पास जतिन चावला, ये लिखते हैं, ये वेरीफाइड चैनल है, मतलब इनके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो बाकी ये पूछते हैं जीटी भाई कैसे हो, मैं एकदम ठीक हूँ भाई, क्या करते हो आप? तो मैं कुछ खास नहीं करता, YouTube की वीडियो बनाता हूँ और मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। कितनी अर्निंग हो जाती है एक मंथ की YouTube से? तो अर्निंग पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है, एक दो पेमेंट आई है लेकिन वो मेरे लिए इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मैं फ़ोन खरीद लेता हूँ अपने पैसे से, तो बस यही है। और अगला सवाल जो काफ़ी लोगों के मन में बार बार आता है, ये पूछते हैं जिगर पटेल, ये पूछते हैं कि आप लोग या बिग यूट्यूबर, ऐसे बिग छोटा कोई नहीं होता, टाइम टाइम की बात है, किसी का टाइम आ गया किसी का आएगा। तो यहाँ पे ये पूछते हैं कि सारे फ़ोन जो आते हैं ना अनबॉक्सिंग के लिए, रिव्यू के लिए, तो उनका रिव्यू करने के बाद क्या करते हैं आप लोग, ऐसे ही पड़ा रहता है क्या? और आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो पर्सनली? ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। बाकी ये जो फ़ोन आते हैं जो कंपनी भेजती है, अब जैसे मैं खरीदता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, रखता हूँ, उसके बाद जब काम खत्म हो जाता है उसको सेल कर देता हूँ, ताकि आपके लिए और फ़ोन ला सकूँ। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, कंपनी देती है तो वो लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं या फिर क्या कर देते हैं, गिव अवे कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है संकेत घोष जी की ओर से, ये लिखते हैं कौन सा यूआई बेटर है, मी यूआई या फिर वन यूआई? अभी जो वन यूआई है ना, ये काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, तो यहाँ पे वन यूआई को मैं थोड़ा अच्छा कहना चाहूंगा। और अगला सवाल आता है हमारे पास डायमंड बॉय, ये पूछते हैं कि अपर्चर के बारे में कुछ बताओ। तो अपर्चर एक ऐसी चीज है ना, है तो होती तो सिंपल सी है कि ये जो आपका कैमरा लेंस होता है ना, इसका अपर्चर अगर कम होगा तो इसमें लाइट ज्यादा जाएगी, अगर अपर्चर ज्यादा होगा तो लाइट कम आएगी, तो लो लाइट फोटोग्राफी में काम आता है, तो मैं इस पर ना एक वीडियो बना दूंगा। और अगला सवाल आता है हमारे पास अक्षय ठाकुर जी की ओर से, लिखते हैं भाई आपके 50K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हो चुके हैं भाई आप लोगों के प्यार से, उसके लिए कांग्रेस, थैंक यू, आई होप आपका Q&A वीडियो आने वाला है और आप मेरा कमेंट जरूर ऐड करेंगे। आपका कमेंट ऐड कर लिया, लव योर चैनल, लव यू टू मेरे भाई, तो थैंक यू सो मच। और अगला सवाल आता है हमारे पास निकेश जी की ओर से, ये पूछते हैं ब्रो पोको F1 लेना चाहिए और सजेस्ट करो गेमिंग फोन 18K। पोको F1 मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज भी एकदम बढ़िया फोन है, ऐसा फोन है ना ये कि इसकी वैल्यू आज भी वही मेंटेन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गेमिंग के लिए आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अगला सवाल है हमारे पास तौसीफ आलम जी की ओर से, ये पूछ रहे गैलेक्सी M40 में जो डिस्प्ले है वो TFT है, IPS नहीं? जी हाँ बिल्कुल भाई, इसमें इन्होंने TFT डिस्प्ले दे रखा, तो 20,000 रुपये के रेट में ना TFT डिस्प्ले इनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, तो यहाँ पे ये TFT है। और अगला सवाल आता है हमारे पास गेमर एंड म्यूजिक बबलूक जी की ओर से, लिखते हैं सर मुझे 15K से कम में एक अच्छा मोबाइल लेना है, Realme 3 Pro, Note 7 Pro के अलावा कौन सा बेहतर होगा? तो आज की डेट में आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, Vivo एक फ़ोन लॉन्च कर रहा है Z1 Pro करके, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा और जून में ही आ जाएगा, तो आपको उसके लिए रुकना चाहिए, दोनों से अलग है, यूनिक है, पसंद आएगा आपको। और अगला सवाल हमारे पास अमीरुल दीवान जी की ओर से, ये पूछते हैं आपकी YouTube जर्नी कहाँ शुरू हुई? ये जहाँ मैं बैठा हूँ ना संगम किनारे, यहीं से मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी जिसपे 500K प्लस व्यूज़ आए थे, और उस वीडियो ने, हालांकि वो व्लॉग था, उस वीडियो ने मुझे आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत सारे सवाल लिए, बहुत सारे सवाल यहाँ पे स्किप भी करने पड़ते हैं, आपने देख ही लिया होगा वीडियो कितनी लंबी हो जाती है, तो यहाँ पे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ दोस्तों चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।